कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर की बात करेंगे, आपके पास चार ऑप्शन है, तो चार ऑप्शन को देखिए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी नंबर यानी चंद्रशेखर आज़ाद राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर, तो आ चुके हैं पूरी तरीके से। दूसरा नंबर क्वेश्चन है स्क्रीन पे, दूसरा नंबर क्या है, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी आपका चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को देखिए तो राइट आंसर की बात करेंगे क्या हो जाएगा, सी नंबर यानी बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन तो आ चुके हैं पूरी तरीके से, देख पा रहे होंगे आप लोग क्या है, अनुच्छेद 273 का संबंध किस प्रदेश से है? तो अनुच्छेद 273 का संबंध जो है जम्मू कश्मीर से था, लेकिन अब जो है हट गया है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको इस बार नहीं आएगा, ये क्वेश्चन को जो है छोड़ दीजिए। तो चलिए फिर भी याद रखिए कि 2019 से पहले जो है 273 लगा हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में। तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है पूरी तरीके से, देख पा रहे होंगे आप लोग क्या है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी चार नंबर का यानी ए नंबर राइट आंसर, भारतीय जनसंघ, राइट आंसर की बात करेंगे तो भारतीय जनसंघ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, पाँचवा नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप लोग क्या है, पाँचवा नंबर, कश्मीर के भारत में विलय पत्र किसने हस्ताक्षर किए? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी पाँच नंबर का डी नंबर राइट आंसर, यानी राजा हरि सिंह, राजा हरि सिंह राइट आंसर हो जाएगा। अब ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो छठा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुके हैं पूरी तरीके से, देख पा रहे होंगे आप लोग क्या है, 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या बनाया गया? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी छः नंबर का ए नंबर यानी भाषा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुकी है सात नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे पूरी तरीके से, देख पा रहे आप लोग, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा, सात नंबर का डी नंबर यानी 1953 ईस्वी में हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुकी है पूरी तरीके से, देख पा रहे आप लोग क्या है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो गृह मंत्री कौन था? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, तो नौ नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है पूरी तरीके से, देख पा रहे हैं आप लोग, गोवा भारतीय संघ का राज्य किस वर्ष बना? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, नौ नंबर का डी नंबर यानी 1987 राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुकी है पूरी तरीके से स्क्रीन पर, दस नंबर क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी हाल में जो है नौ, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुकी है 11 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे पूरी तरीके से, देख पा रहे होंगे आप लोग, तो क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था को हम कहेंगे, तो क्या कहेंगे? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 नंबर का सी नंबर यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह के हम लोग लगभग 10 सेट को पढ़ने वाले हैं, अगर नए हैं तो चैनल में सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुकी है, देख पा रहे होंगे पूरी तरीके से, तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी नंबर यानी 1961 से 1966 ईस्वी तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुके हैं पूरी तरीके से, देख पा रहे होंगे आप लोग, 13 नंबर है, खाद संकट से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन था? तो राइट आंसर की बात करेंगे 13 नंबर का क्या हो जाएगा, यानी सी नंबर यानी बिहार, राइट आंसर बिहार हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुके हैं पूरी तरीके से, देख पा रहे होंगे आप लोग क्या है, 14 नंबर, पंचशील के पांच सिद्धांत किसके द्वारा घोषित किए गए थे? पंचशील के पांच सिद्धांत किसके द्वारा घोषित किए गए थे? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 नंबर का सी नंबर राइट आंसर यानी जवाहरलाल नेहरू द्वारा किए गए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुके हैं 15 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या है, भारतीय विदेश नीति के आधार स्तंभ कौन है? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 नंबर का सी नंबर राइट आंसर यानी पंचशील योजना से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की 16 नंबर, किसने कहा था हम संयुक्त राष्ट्र के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं? तो राइट आंसर की बात करेंगे 16 नंबर का डी नंबर राइट आंसर यानी इंद्र कुमार गुजराल। ठीक है, राइट आंसर डी नंबर 16 नंबर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुके हो स्क्रीन पे पूरी तरीके से, 17 नंबर क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 नंबर का सी नंबर यानी लाल बहादुर शास्त्री राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो पूरी तरीके से आ चुके हैं, देख पा रहे होंगे आप लोग, 18 नंबर क्वेश्चन है,
क्या है, लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ, लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ, तो 18 नंबर का राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी बी नंबर, यानी 11 जनवरी 1966 ईस्वी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुकी है पूरी तरीके से देख पा रहे आप लोग। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार दिया, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो 19 नंबर का बी नंबर राइट आंसर, यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं 20 नंबर क्वेश्चन, पूरी तरीके से देख पाऊंगे आप लोग क्या है, बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 20 नंबर का ए नंबर राइट आंसर, यानी जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं पूरी तरीके से 21 नंबर क्वेश्चन है, क्या है 21 नंबर, इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की थी, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 21 नंबर का बी नंबर राइट आंसर, यानी 5 जुलाई 1975 ईस्वी में किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं पूरी तरीके से स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप लोग क्या है, सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 नंबर का ए नंबर राइट आंसर, यानी बिहार, राइट आंसर बिहार। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुकी है पूरी तरीके से 23 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, भारतीय किसान यूनियन किस प्रदेश के किसानों का गठन था, संगठन था, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 23 नंबर का ए नंबर राइट आंसर, यानी उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा, राइट आंसर ए नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं पूरी तरीके से, तो क्या है 24 नंबर क्वेश्चन है, गोवा पर किस विदेशी राज्य का शासन था, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 24 नंबर का सी नंबर, यानी पुर्तगाल का शासन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं पूरी तरीके से 25 नंबर क्वेश्चन है, तेलंगाना का आंदोलन किस राज्य से संबंधित था, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 25 नंबर का डी नंबर, यानी आंध्र प्रदेश से था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग क्या है, 26 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य से संबंधित है, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो 26 नंबर का सी नंबर, यानी जम्मू एंड कश्मीर से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं पूरी तरीके से 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, शीत युद्ध के समय पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो 27 नंबर का ए नंबर, यानी अमेरिका, राइट आंसर अमेरिका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग 28 नंबर क्वेश्चन है, सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था, सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो 28 नंबर का बी नंबर राइट आंसर, यानी मिखाइल गोरवाचे राइट आंसर बी नंबर। ठीक है, 28 नंबर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं 29 नंबर क्वेश्चन, पूरी तरीके से स्क्रीन पे है देख पा रहे होंगे आप लोग, एमबीए पाठ्यक्रम की शुरुआत किस देश में हुई, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 29 नंबर का ए नंबर राइट आंसर, यानी अमेरिका से हुई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो 30 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुके हैं पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 30 नंबर का बी नंबर राइट आंसर, यानी प्रथम खाड़ी युद्ध, यानी राइट आंसर की बात करेंगे तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 31 नंबर क्वेश्चन की ओर, तो आ चुकी है पूरी तरीके से देख पा रहे आप लोग, 31 नंबर क्वेश्चन है क्या है, 31 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो 31 नंबर का डी नंबर, यानी अमेरिका, राइट आंसर डी नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग, इनमें से कौन दक्षेश का सदस्य नहीं है, इनमें से कौन दक्षेश का सदस्य नहीं है, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो 32 नंबर का यानी सी नंबर राइट आंसर, यानी चीन, राइट आंसर चीन। ठीक है, सी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 33 नंबर क्वेश्चन पूरी तरीके से स्क्रीन पे आ चुकी है देख पा रहे होंगे आप लोग, सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्य कितने हैं, सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्य कितने हैं, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 33 नंबर का डी नंबर राइट आंसर, यानी 10, राइट आंसर 10 सदस्य है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 34 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है देख पा रहे होंगे आप लोग पूरी तरीके से, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 34 नंबर का सी नंबर राइट आंसर, यानी 15। ठीक है, 15 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुकी है पूरी तरीके से क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संवेद किससे है, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो 35 नंबर का ए नंबर, यानी
मानव अधिकारों की रक्षा से, राइट आंसर ए नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुकी है पूरी तरीके से 36 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, वैश्विक ताप वृद्धि से किस देश को सबसे अधिक खतरा है, तो राइट आंसर की बात क्या करेंगे तो राइट आंसर की बात करेंगे तो सी नंबर राइट आंसर यानी मालदीप, राइट आंसर मालदीप से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके 37 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे पूरी तरीके से, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज कवर कर रहे हैं हम लोग, परंपरागत सुरक्षा नीति का कौन तत्व है, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यानी 37 नंबर का डी नंबर राइट आंसर, यानी इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुकी है पूरी तरीके से, देख पा रहे आप लोग क्या है, वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई थी, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो 38 नंबर का ए नंबर यानी ब्राज़ील में हुई थी, राइट आंसर ब्राज़ील में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुकी है पूरी तरीके से, देख पा रहे आप लोग क्या है, 39 नंबर है, वैश्वीकरण से सबसे अधिक प्रभावित कौन हुए, वैश्वीकरण से सबसे अधिक प्रभाव, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या जाएगा यानी 39 नंबर का ए नंबर राइट आंसर यानी निर्धन, निर्धन से सबसे अधिक प्रभावित हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अंतिम क्वेश्चन है, देख पा रहे पूरी तरीके से 40 नंबर क्वेश्चन, भूमंडलीकरण किन क्षेत्रों को समाहित करता है, तो राइट आंसर की बात क्या करेंगे तो राइट आंसर 40 नंबर ए नंबर यानी आर्थिक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो इसका सही जवाब क्या होगा यानी ख नंबर 1885 ईस्वी में। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारत चीन युद्ध कब हुआ था, तो इसका सही जवाब क्या होगा कौन नंबर यानी 1962 ईस्वी में। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी, तो इसका सही जवाब क्या होगा यानी तीन नंबर का ग नंबर 1971 ईस्वी में। अब अगला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन है, देख लेते हैं 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पांचवा क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए, तो इसका सही जवाब क्या होगा यानी चार नंबर का क नंबर 1950 ईस्वी में, सॉरी पाँच नंबर का ख नंबर यानी 1952 ईस्वी में। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, छठा क्वेश्चन है, भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया, तो इसका सही जवाब क्या होगा यानी छठा नंबर का घ नंबर 2014। अब अगला क्वेश्चन सातवां क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या है, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई, तो इसका सही जवाब क्या होगा सात नंबर का ख नंबर यानी 2012। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नौवां क्वेश्चन कर लेते हैं, नंबर क्या है, विघटित भारतीय योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा कौन नंबर यानी प्रधानमंत्री होता है। अब अगला क्वेश्चन दसवां क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो इसका सही जवाब क्या होगा यानी कौन नंबर 1950 ईस्वी में। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या है, ग्यारहवां क्वेश्चन, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई, तो इसका सही जवाब क्या होगा यानी कौन नंबर महात्मा गांधी ने बताई। अब अगला क्वेश्चन बारहवां क्वेश्चन कर लेते हैं, मेकमोहन रेखा कहाँ है, तो इसका सही जवाब क्या होगा यानी ख नंबर अरुणाचल प्रदेश में है, मेकमोहन रेखा जो है अरुणाचल प्रदेश में है, इस तरह ख नंबर इसका सही जवाब होगा 12 नंबर का। अब देख लेते हैं तेरहवां क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा स्किप कर लेते हैं, तो तेरहवां क्वेश्चन आ चुकी है, क्या है, भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया, तो इसका सही जवाब क्या होगा उत्तर नंबर घ, सही जवाब जो है घ नंबर 1998 ईस्वी में। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चौदहवां क्वेश्चन है, क्या है, भारत में प्रतिबंधी नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया, तो इसका सही जवाब क्या होगा देख लेते हैं घ नंबर, सही जवाब जो है इंदिरा गांधी ने किया था। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पंद्रहवां क्वेश्चन है, देख लेते हैं, तो पंद्रहवां क्वेश्चन इस तरह से है, भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ, तो इसका सही जवाब क्या होगा ख नंबर, सही जवाब जो है 1976 ईस्वी में। दोस्तों अगर कहीं आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो देख लिए, अब 15-16वां क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई, तो इसका सही जवाब क्या होगा 16 नंबर का, सही जवाब ग नंबर यानी 1975। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 17वां क्वेश्चन क्या है, भारत में उत्तर पूर्व क्षेत्र में असम भाग काट कर पहला राज्य कौन बना, तो इसका सही जवाब क्या होगा ग नंबर यानी नागालैंड बना था 17वां का। अब 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, थोड़ा सा स्किप करके और देख लेते हैं, क्या है, बोडोलैंड स्वाइंग
87% किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा, यानी 18 नंबर का कौन नंबर सही जवाब, असम। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 19वां क्वेश्चन क्या है कि सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से। तो 20वां क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, क्या है 20वां क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा, यानी कौन नंबर, नहीं सॉरी, भारतीय जनसंघ। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 21वां क्वेश्चन क्या है, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब क्या होगा, यानी 21 नंबर का कौन नंबर सही जवाब, बेलग्रेड। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या है दो ध्रुवीय का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब क्या होगा, यानी गौ नंबर, यानी अमेरिका और सोवियत संघ की प्रतिद्वंदी प्रभुत्व। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 23वां क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा, 24 नंबर का गौ नंबर सॉरी 23 नंबर का गौ नंबर, बहुदलीय व्यवस्था। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 24वां क्वेश्चन, प्रेस्ट्रोका एवं ग्लासनेस्टा के मंत्र किसने दिए? तो इसका सही जवाब क्या होगा, 24 नंबर का घ नंबर यानी गर्वाच्ची। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 25वां क्वेश्चन क्या है, दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा, ख नंबर यानी सामान्यवादी। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचायक है? तो इसका सही जवाब क्या होगा, 26 नंबर का घ नंबर यानी अमेरिका। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या होगा, देख लेते हैं, घ नंबर 27 का घ नंबर यानी भारत जो है आसियान का सदस्य नहीं है। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या होगा, 28 नंबर का घ नंबर यानी बांग्लादेश। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ कितने अंग है? तो इसका सही जवाब क्या होगा, यानी घ नंबर 6 अंग है। अब अगला क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन कर लेते हैं, तो 29वां क्वेश्चन आ चुकी है, देख लेते हैं क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में निःसशस्त्रीकरण आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका सही जवाब क्या होगा, घ नंबर यानी 1966 ईस्वी में। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 31वां क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? तो इसका सही जवाब क्या होगा, गौ नंबर यानी उदारवाद। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या होगा, यानी 32 नंबर का गौ नंबर मनमोहन सिंह। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब क्या होगा, 33 नंबर का सही जवाब गौ नंबर यानी तनाव शैथिल्य। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब क्या होगा, 34 नंबर का ख नंबर यानी 1960। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 35वां क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो इसका सही जवाब क्या होगा, घ नंबर यानी 1991 ईस्वी। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या है 36वां क्वेश्चन है, परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया? तो इसका सही जवाब क्या होगा, 36 नंबर का सही जवाब ख नंबर यानी भारत। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जम्मू एंड कश्मीर का आतंकवादी संगठन है नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या होगा, यानी घ नंबर तालिबान। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बोडो सुरक्षा बल किस राज्य का उग्रवादी संगठन है? तो इसका सही जवाब देख लेते हैं, क्या है 38 नंबर का कौन नंबर यानी असम। बोडो सुरक्षा बल किस राज्य का उग्रवादी संगठन है? तो इसका सही जवाब कौन नंबर असम। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 39वां क्वेश्चन क्या है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब क्या होगा, देख लेते हैं 29वां क्वेश्चन, गौ नंबर यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 40वां क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है, 2004 में बने संयुक्त प्रतिद्वंदी 2004 में बने प्रगतिवादी संगठन निम्नलिखित में कौन दल शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या होगा, कौन नंबर यानी कांग्रेस।
तो आज का वीडियो इतना ही तक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो पर।